थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन आईएससी क्लास 12 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जो थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन थ्री तरह की होती है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। क्लास 12 के सिलेबस में, सीबीएसई और आईएससी के सिलेबस में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को रखा गया है। ओके, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में बाइनोमियल ट्रायल्स होते हैं, तो बाइनोमियल ट्रायल्स की क्या कंडीशंस होती है, हम कैसे समझेंगे कि जो न्यूमेरिकल है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का है या फिर सिंपल प्रोबेबिलिटी का है। तो देखो, तो उसको हमें समझने के लिए वर्नॉलिज ट्रायल्स होते हैं, ट्रायल्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड वर्नॉलिज ट्रायल्स। रैंडम एक्सपेरिमेंट के जो ट्रायल्स हैं वो वर्नॉलिज ट्रायल्स होंगे यदि वो इन कंडीशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। दे आर फाइनाइट इन नंबर, इससे किसी क्वाइन को थ्री टाइम्स थ्रो किया गया तो जो बाइनोमियल में आएगा, किसी डाई को फोर टाइम्स थ्रो किया गया वो भी बाइनोमियल में आएगा। ओके, तो दे आर फाइनाइट इन नंबर। कैसे होते हैं? फाइनाइट होते हैं, इन्फिनेट नहीं होते हैं। थ्री हो सकते हैं, फोर हो सकते हैं, फाइव हो सकते हैं, सिक्स हो सकते हैं, टेन हो सकते हैं। दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है। पहला ट्रायल और दूसरा ट्रायल दोनों आपस में इंडिपेंडेंट होंगे, मतलब जितने भी ट्रायल्स होंगे 1, 2, 3, 4 सारे के सारे कैसे होंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे, ठीक ना। फॉर एग्जांपल, ये सपोज करो हमने सिंगल क्वाइल को थ्री टाइम्स थ्रो किया तो तीनों ही टाइम्स में जो थ्रो किया गया वो आपस में कैसे हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट है। अब ईच ट्रायल हैज एग्जैक्टली टू आउटकम्स, ईच ट्रायल के दो आउटकम्स होना चाहिए। वो आउटकम्स कैसे होना चाहिए? सक्सेस, जिसे हम पी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और फेलियर, जिसे हम क्यू के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक क्वाइन को हमने थ्रो किया तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी सक्सेस में कहलाएगी, तो पी कितना हो जाएगा, 1/2। ना आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगी, तो ये भी क्या होगा, अनसक्सेस कहलाएगा, क्यू कहलाएगा। अब सपोज करो हमने एक डाई को थ्रो किया, अब डाई को थ्रो करने पर इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी पूछा गया है, और पूछा गया है कि इस डाई को 6 बार थ्रो किया, इवन नंबर 4 बार इवन नंबर आए, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइएगा। तो देखो, यहाँ पर पी कितना हो जाएगा, इवन नंबर कितने होते हैं, इवन नंबर होते हैं एस तो आपका होगा, पहले एस लिख लें हम, क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 होगा, और इवेंट लिख लें हम, ए लिख लें कोई इवेंट, तो इवन नंबर कितने होते हैं, 2, 4, 6। तो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी सक्सेस होने की, पी हो जाएगा कितने, 1, 2, 3, 3 टोटल कितने, 6, तो 1/2। अब क्यू कैसे निकलेगा, 1 - p से डायरेक्ट आप क्यू को निकाल सकते हो, तो ये हो जाएगा 1 - 1/2 इक्वल टू 1/2। ओके, अंडरस्टूड। तो ईच ट्रायल्स हैज एग्जैक्टली टू आउटकम्स, उसमें सिर्फ एग्जैक्टली टू आउटकम्स होना चाहिए। वो टू आउटकम्स कौन से होंगे, सक्सेस जिसे हम पी के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, और फेलियर जिसे हम क्यू के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। अब द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर रिमेन सेम इन ईच ट्रायल, पहली बार फेंका क्वाइन को या डाई को तो जो प्रोबेबिलिटी है सक्सेस की और फेलियर की वो सेम रहेगी, दूसरी बार के फेंका तब भी एक जैसी रहेगी, तीसरी बार फेंका तब भी एक जैसी रहेगी। मीन्स ये कि हर एक ट्रायल में जो सक्सेस और फेलियर की प्रोबेबिलिटी है वह कैसी रहेगी, सेम रहेगी। अब इसका जो फार्मूला होता है वो ये होता है फार्मूला, इसे ध्यान से समझिएगा, पी आर इक्वल टू होता है एन सी आर क्यू रेस टू पावर एन माइनस आर पी रेस टू पावर आर। यहाँ पर एन क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, एन है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, एन यहां पर टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स है। पी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है,
प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है। क्यू क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है। क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। और यहां पर आर है नंबर ऑफ सक्सेस। आर क्या है? नंबर ऑफ सक्सेस। इसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल हम समझते जे, सपोज करो सिंगल क्वाइन को 6 टाइम थ्रो किया गया, 4 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो यहां पर आर क्या होगा? 4 होगा। हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। ओके, तो यहां पर एक्सरसाइज 20C है, इसके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। 20C, ठीक है, 20C। फर्स्ट का फर्स्ट है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड इन 6 टॉसिंग आर क्वाइन। तो यहां पर एन क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फाइंड द व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड। आर कितना होगा? 1 होगा। अब सिंगल थ्रो में, सिंगल क्वाइन को थ्रो करने में हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2 होगी। नहीं आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी? 1-P होगी। क्यू कैसे निकलेगा? 1-P से निकलेगा। दिस इज 1-1/2 इक्वल टू 1/2। क्लियर? ओके, अब देखो हमें R1 है तो क्या निकाल? देखो फार्मूला अपना क्या है, PR इक्वल टू NCR Q रेज टू पावर N-R, P रेज टू पावर R, ये आपका फार्मूला है। ओके, यहां पर R कितना है? 1 है, तो P1। N कितना है? 6 है, 6C1। Q की वैल्यू क्या है? हाफ है, N 6-1। P की वैल्यू क्या है? हाफ रेज टू पावर 1। ओके, P1 दिस इज 6 इंटू 1/2 रेज टू पावर 6, तो दिस इज 6/64, दिस इज 3/32। 3/32 क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर होगा। नाउ इसका फर्स्ट का सेकंड देखिएगा। 6 क्वाइंस आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड, नो हेड एंड एट लीस्ट 1 हेड। ओके, देखो इसमें बोला गया है 6 क्वाइन आर टॉस साइमल्टेनियसली। देखो इस क्वाइंस में, डाई में साइमल्टेनियसली फेंका जाए या 1/1 फेंका जाए, सेम केसेस ही बनते हैं, तो इसमें भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का हम यूज करेंगे। 6 क्वाइन को टॉस किया गया तो यहां पर एन क्या होगा? 6 होगा। एन क्या होगा? 6 होगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड की पूछी गई है, तो पी क्या हो जाएगा? पी 1/2 होगा। क्यू भी क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, इस पहले वाले केस जैसा। इसमें निकाला था ये क्यू 1/2। ओके, 1/2 हो जाएगा। अब ए में पूछा है, ए में क्या पूछा है? ए में पूछा है पी थ्री हेड, पी थ्री हेड, तो आर यहां पर क्या होगा? 3 होगा। जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी? 6C3Q1/2, 6-3 P3। ठीक ना? इस वाले फार्मूले का हमने यूज किया, PR इक्वल टू NCR, Q(n-r)PR। तो दिस इज n कितना है? 6 है। R कितना है? 3 है। 3 हेड की प्रोबेबिलिटी पूछी है, ये वैल्यू रखी, तो ये हो जाएगा आपका 6C3/2^6। अब देखो 6C3 की वैल्यू को हम फाइंड आउट किए लेते हैं। 6
इंटू फाइव इंटू फोर अपॉन थ्री इंटू टू इंटू वन। देखो सिक्स सी थ्री है तो सिक्स को हम पहले सिक्स लिखेंगे, फिर फाइव लिखेंगे, वन कम करते जाएंगे, फिर फोर लिखेंगे। कितने बार लिखेंगे, जो ये नीचे लिखा हुआ है थ्री लिखा हुआ है तो थ्री बार लिखेंगे, वन टू थ्री, थ्री टू वन, इस सिक्स से सिक्स कैंसिल हो जाएगा तो ट्वेंटी हो जाएगा। तो दिस इज ट्वेंटी अपॉन टू रेज टू पावर सिक्स, टेन अपॉन थर्टी टू, फाइव अपॉन सिक्सटीन। कितना होगा अपना आंसर, फाइव अपॉन सिक्सटीन इज अवर फाइनल आंसर हो जाएगा। अब इसी के बी में आते हैं हम। बी में क्या पूछा है, बी में पूछा है नो हेड बी, पी नो हेड, इसका मतलब है हमें पी जीरो निकालना है। क्या निकालना है, पी जीरो, इसको फाइंड आउट करना है पी जीरो। तो इस फार्मूले में हम पुट करेंगे तो सिक्स सी जीरो वन बाई टू रेज टू पावर सिक्स माइनस जीरो वन बाई टू रेज टू पावर जीरो। दिस इज वन अपॉन टू रेज टू पावर सिक्स इक्वल टू वन अपॉन सिक्सटी फोर, वन अपॉन टू रेज टू पावर सिक्स इक्वल टू वन अपॉन सिक्सटी फोर। ओके, अंडरस्टूड। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटीज ऑफ वेरियस नंबर ऑफ सिक्सेस, वेरियस नंबर ऑफ सिक्सेस व्हेन थ्री डाइस रोल्ड साइमल्टेनियसली, थ्री डाइस रोल्ड साइमल्टेनियसली, तीन डाइस को साइमल्टेनियसली फेंका गया है। हमें नंबर ऑफ सिक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो देखो सेकंड, एन इक्वल टू थ्री है। अब सिंगल डाइस को फेंकने पर सिक्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमें पता है भैया वन अपॉन सिक्स होगी। सिंगल डाइस को हम फेंकेंगे तो सिक्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वन अपॉन सिक्स होगी। क्यू क्या होता है, वन माइनस पी होता है, तो वन माइनस वन अपॉन सिक्स इक्वल टू फाइव अपॉन सिक्स हो जाएगा। डाई तो आप लोगों ने देखा ही होगा, वन से लेके सिक्स फेस होते हैं, टोटल केसेस सिक्स हो जाएंगे, फेवरेबल केसेस वन होगा, सिक्स एक ही तरीके से आ सकता है, तो ये आ गया। अब देखो हमें नंबर ऑफ केसेस निकालना है, तो भाई आर एक बार जीरो लेंगे, एक बार आर जीरो लेंगे, एक बार वन लेंगे, एक बार टू लेंगे, एक बार थ्री लेंगे, ठीक है, वेरियस नंबर ऑफ सिक्सेस। तो पी जीरो निकालते हैं, पी जीरो क्या हो जाएगा, थ्री सी जीरो, थ्री सी जीरो, पी है, क्यू कितना है, फाइव बाई सिक्स है, फाइव बाई सिक्स थ्री, और क्यू कितना है, वन बाई सिक्स रेज टू पावर जीरो। फाइव का क्यूब अपॉन सिक्स का क्यूब, दिस इज वन टू फाइव अपॉन टू वन सिक्स। अब आर को हम वन लेते हैं तो हम पी वन निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर फार्मूला भी हम आपको लिख देते हैं। पी आर का फार्मूला होता है पता ही है आप लोगों को, एन सी आर, क्यू रेज टू पावर एन माइनस आर, पी रेज टू पावर, बोर्ड एग्जाम में फार्मूला लिखेंगे, ठीक ना, ये फार्मूला लिखना जरूरी होता है। ओके, बोर्ड एग्जाम में नहीं लिखेंगे तो नंबर इसके कम होंगे। पी वन, अब दिस इज थ्री सी वन, फाइव अपॉन सिक्स थ्री माइनस वन, वन अपॉन सिक्स रेज टू पावर वन, दिस इज थ्री सी वन अपॉन सिक्स का क्यूब, दिस इज थ्री अपॉन टू वन सिक्स, कितना होगा, थ्री अपॉन टू वन सिक्स होगा। अब हम पी टू को फाइंड आउट करें, तो यहाँ पर आर टू लेंगे, तो दिस इज थ्री सी टू, फाइव अपॉन सिक्स थ्री माइनस टू, यहाँ पर देखो पी वन में मिस्टेक हो रही है,
ये 5 का स्क्वायर भी आएगा यहाँ पर साथ में, क्या आएगा 5 का स्क्वायर, दिस इज 25, तो क्या हो जाएगा दिस वन इज 75/216 होगा, ठीक ना, 75/216 होगा। पी टू दिस इज 3C2, 5/6Q, एन माइनस आर दिस इज 1/6 का स्क्वायर, तो दिस इज 3C2 इंटू 5/216, तो 15/216 क्या होगा, 15/216 होगा। अब P3 फाइंड आउट कर लें हम, P3 दिस इज 3C3, 5/6, 3 माइनस 3, 1/6 रेज टू पावर 3, तो दिस इज 3C3, 3C3 की वैल्यू 1 होती है, ये 0 की पावर है तो ये भी 1 हो जाएगा, दिस इज 1, दिस इज 6 का क्यूब, तो दिस इज 1/216 कितना होगा, 1/216 होगा। ओके अंडरस्टूड, हम चाहें तो इसे देखो और सिंपलीफाई कर सकते हैं, जो भी कैंसिल हो सकते हैं उन्हें कैंसिल कर लेंगे, जैसे 3 से कैंसिल होगा तो 5 आएगा, ये 3 से कैंसिल होके कितना बचेगा, 7/2 बचेगा, दिस इज 5/7/2। ओके, जो प्रोबेबिलिटी होती है वो लोएस्ट टाइम में लिखी जाती है, इसको भी हम 3 से कैंसिल कर सकते हैं। ओके अंडरस्टूड, क्लियर। देखो यहाँ पर हमें कैसे पता चला कि 0 लेना है, 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है, क्योंकि दिया हुआ है क्वेश्चन में कि कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटीज ऑफ वेरियस नंबर ऑफ सिक्सेस। अब 3 डाई को फेंका, मतलब एक डाई को 3 टाइम्स फेंका गया, तो सिक्स वेरियस नंबर्स ऑफ सिक्सेस कितने आ सकते हैं, एक भी सिक्स ना आए तो आर 0 हो जाएगा, 1 6 आ जाए तो आर 1 होगा, 2 6 आ जाए तो आर 2 होगा, वो तीनों ही पर 6 आ जाए तो आर कितना होगा, 3 होगा। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में सिंगल पी और क्यू जो निकलता है वो सिंगल ट्रायल से निकलता है, एक डाई को फेंकने पर 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, और फेलियर ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 5/6, सिंगल ट्रायल से निकलता है पी और क्यू। ओके अंडरस्टूड, और कोई प्रॉब्लम, इन टॉसिंग 10 क्वाइंस, तो एन कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एग्जैक्टली 5 हेड, तो आर क्या होगा, 5 होगा। अब हम देखें सिंगल क्वाइन को थ्रो करने में हेड आने की प्रोबेबिलिटी पी कहलाएगी 1/2, नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या कहलाएगी, क्यू कहलाएगी। अब सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/2 है तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी 1 - 1/2 होगी, तो 1/2 हो जाएगा। फार्मूले का हम यूज कर लेंगे, पी आर इक्वल टू क्या है, एन सी आर क्यू रेज टू पावर एन माइनस आर पी रेज टू पावर आर, दिस इज 10C5, क्यू कितना है 1/2, 10 - 5, और पी कितना है 1/2 रेज टू पावर 5, इसको हम क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो दिस इज 10C5/2 रेज टू पावर 10 हो जाएगा ये, ठीक ना अंडरस्टूड, तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 10C5/2 रेज टू पावर 10, इसको हम सिंपलीफाई कर लेंगे। अब 10C5 को कैसे सिंपलीफाई करते हैं, देखो यहाँ रफ में हम बताते हैं आपको, 10C5 10 × 9 × 8 × 7 × 6 गिन लेना इनको, 1 2 3 4 5, ये नीचे लिखा है उसके इक्वल होना चाहिए, होना चाहिए, फिर 5 4 3 2 1, ये इंटू है सब, क्या है इंटू है। ओके अंडरस्टूड, अभी 2 और 5 10, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, ठीक ना, 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 8 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2, तो ये आ जाएगा आपका 42 × 6, दिस इज 2,
टू फाइव टू, टू फाइव टू क्या होगा अपना आंसर हो जाएगा। ओके दिस इज क्या हो जाएगा आपका 252 अपॉन 2 रेज़ टू पावर 10 होता है 1024। फिर और भी हम इसे सिंपलीफाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। ओके इस तरह से तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 126 अपॉन 512। ठीक है इस तरह से। ओके नाउ 4, अब बैग कंटेंस 10 बॉल्स, कोई बैग है उसमें 10 बॉल्स हैं, ईच मार्क्ड विद वन ऑफ द डिजिट 0 to 9, 0 से 9 के बीच में कोई भी डिजिट उस पर मार्क है। इफ 4 बॉल्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली, देखो 10 बॉल्स हैं, एक बॉल पर 0 मार्क्स है, दूसरी पर 1 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, 7, 8, 9 तक मार्क्स हैं। 4 बॉल्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट, 4 बॉल्स को सक्सेसिवली ड्रॉ किया गया विद रिप्लेसमेंट के द्वारा, पहली बॉल ड्रॉ की रिप्लेस कर दी, दूसरी बॉल ड्रॉ की रिप्लेस कर दी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज मार्क्ड विद डिजिट 0। तो n इक्वल टू कितना है, 10 हो जाएगा यहां पर। अब 0 आने की प्रोबेबिलिटी, 0 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/10 होगी, क्योंकि 0 सिर्फ एक वॉल्स पर लिखा हुआ है, टोटल वॉल्स कितनी हैं, 10 है, तो 1/10 हो जाएगी। q कितना होगा, 1 - 1/10 = 9/10 होगा, q कितना होगा, 9/10 हो जाएगा q। ओके अब आर यहां पर 0 होगा, क्यों होगा 0, नन इज मार्क्ड विद 0, एक भी बॉल पर 0 डिजिट ना आए, 4 बार खींचा गया बॉल को सक्सेशन में विद रिप्लेसमेंट, तो एक भी पर 0 ना आए तो आर 0 हो जाएगा। फार्मूले का यूज करेंगे हम, पी आर बराबर होता है एन सी आर क्यू रेज टू पावर एन माइनस आर पी रेज टू पावर आर। तो एन कितना है, 10 है, सी कितना है, 0 है, क्यू कितना है, 9/10, दिस इज 10 - 0, और पी 1/10 raised to power 0। सो दिस इज 10 सी 0 की वैल्यू 1 होती है, ध्यान रखना जिन्हें नहीं पता हो, एन सी 0 की वैल्यू 1 होती है और एन सी एन की वैल्यू भी 1 होती है। एन सी 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, एन सी एन की वैल्यू भी 1 होती है, तो 10 सी 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो दिस इज 1, दिस इज 9/10 raised to power 10 और दिस इज 1। सो अपर आंसर इज 9/10 raised to power 10 इज अवर फाइनल आंसर हो गया। ओके अंडरस्टूड, क्लियर। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा आप लोग, द इंसिडेंस ऑफ ऑक्यूपेशनल डिसीज इन एन इंडस्ट्री सच दैट द वर्कमैन हैव अ 20% चांस ऑफ सफरिंग फ्रॉम इट, 20% चांस है डिसीज होने के, तो पी कितना हो जाएगा, 20%। 20% का मीनिंग क्या होता है, 20/100, दिस इज 1/5, पी हो जाएगा। तो क्यू कैसे निकलता है, 1 - p से निकलता है, तो दिस इज 1 - 1/5 = 4/5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा। अब हम आगे समझते हैं, ठीक ना, चांस, अच्छा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 6 वर्कमैन 4 और मोर विल कॉन्टैक्ट द डिसीज, तो इसका मीनिंग ये है कि कितने वर्कमैन हैं, आउट ऑफ 6 वर्कमैन, मतलब n क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 4 और मोर चाहिए है, तो हमें P4 चाहिए है, P5 की प्रोबेबिलिटी प्लस P6 ये निकालना है, मोर देन 4 को डिसीज आ जाए उसके अंदर, तो P4 होगा, P5 होगा, P6 होगा, जब हम P4 निकालेंगे तो R की वैल्यू 4 होगी, P5 निकालेंगे तो R की वैल्यू 5 होगी, और P6 निकालेंगे तो R की वैल्यू 6 होगी,
पी हम पहले बता चुके हैं, 1/5 होगा 20% है, क्यू 1 माइनस पी होता है तो 4/5 हो जाएगा, एन 6 दिया हुआ है। पी 4 हम निकाल रहे हैं, फार्मूला हम लिख लें पहले फिर निकालते हैं। पी आर का जो फार्मूला होता है वो होता है एन सी आर क्यू रेज टू पावर एन माइनस आर पी रेज टू पावर आर। अब देखो 6C4 क्यू कितना है भैया, क्यू है आपका 4/5, 6 माइनस 4 करेंगे, चलो लिख लेते हैं 6 माइनस 4। पी कितना है 1/5 है, तो इस पी पे नीचे वाले की पावर जाएगी 4 हो जाएगा। अब हम P5 निकाल लें, 6C5 क्यू 4/5, इन दोनों का डिफरेंस चलो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं 1 आएगा, इन दोनों का डिफरेंस लिखेंगे यहाँ पर। फिर पी लिखेंगे 1/5, ये जो नीचे लिखा हुआ है उसकी पावर देंगे हम, ठीक है प्लस। अब P6 निकाल रहे तो R यहाँ पर क्या होगा, 6 होगा तो 6C6, ठीक है 6C6। क्यू इज 4/5, इन दोनों का डिफरेंस 0 आएगा, 1/5 ये नीचे वाले की पावर देंगे, ठीक है ना। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा जी 6C क्या है, 4 है। ओके अंडरस्टूड। तो देखो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखो 6C4 की हमें वैल्यू निकालना है। 6C4 किसके इक्वल होगा, 6C2 के इक्वल होता है। ये फार्मूला होता है देखो NCR इक्वल टू NCN माइनस R, ये फार्मूला होता है NCR इक्वल टू NCN माइनस R, ठीक है। तो 6C4 को हम 6C2 लिख सकते हैं, दिस इज 6 × 5/3 × 2 × 1 दिस इज 3, तो ये 15 हो गया, कितना हो गया 15 हो गया। 6C5 की वैल्यू 6 आएगी और 6C6 की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो हम इसको फाइनल लिखते हैं वैल्यू, देखो दिस इज 15 इंटू 4 पर कितने की पावर जाएगी, 2 की, और 5 पे यहाँ पर टोटल 6 की पावर आ जाएगी। ओके प्लस दिस इज 6, दिस इज 4 और दिस इज 5 रेज टू पावर 6, ये 1 हो जाएगा, 1 × 5 रेज टू पावर 6। तो देखो कितना हो जाएगा, 16 × 15 प्लस 6 × 4 कितना होगा, 24 होगा, प्लस 1/5 रेज टू पावर 6। ओके अंडरस्टूड। अब देखो 6 × 15 करेंगे तो 240 आएगा, कितना आएगा, 240 + 24 + 1/5 रेज टू पावर 6 दिस इज 25, तो 265 / 5 रेज टू पावर 6 से अपना क्या होगा, आंसर होगा। हम उसे चाहें तो इसे 5 से एक बार कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 0.01696। ओके अंडरस्टूड। 6th क्वेश्चन, अ कॉइन इज टॉस्ड 7 times, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टेल अपीयर इन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, टेल अपीयर इन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स। ओके क्वाइन को कितने बार फेंका गया, क्वाइन इज टॉस्ड 7 times, तो एन 7 हो जाएगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टेल अपीयर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, इसका मीनिंग ये है कि आर एक बार 1 होगा, एक बार 3 होगा, एक बार 5 होगा, एक बार 7 होगा, 1 ऑड होता है 3, 5, 7। तो हमें क्या, देखो अब क्वाइन को टॉस किया गया, सिंगल क्वाइन को टॉस करने पर टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2 होगी,
नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 1/2 इक्वल टू 1/2। अब हमें निकालना है P1, निकालना है P3, निकालना है P1, निकालना है P3, निकालना है और क्या निकालना है, P4 निकालना है, नहीं P1, P3, P5 और P7 निकालना है, ठीक है ना। तो फाइंड आउट किए लेते हैं। देखो फार्मूला आपको पता ही है, फार्मूला हम इधर लिखते हैं PR इक्वल टू क्या होगा पता ही है आपको, NCR Q रेज टू पावर N माइनस R P रेज टू पावर। तो P1 क्या हो जाएगा, N7 है, 7C1 1/2 रेज टू पावर 7 माइनस 1 1/2 रेज टू पावर 1 प्लस 7C3 1/2 रेज टू पावर 7 माइनस 3 1/2 का क्यूब प्लस 7C5 1/2 रेज टू पावर 7 माइनस 5 1/2 रेज टू पावर 5 प्लस 7C7 1/2 रेज टू पावर 7 माइनस 7 1/2 रेज टू पावर 7। दिस इज, अब देखो डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपका 2 रेज टू पावर 7। दिस इज 7C1 प्लस 7C3 प्लस 7C5 प्लस 7C7 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर, अंडरस्टूड। अब इनके हम वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। देखो 7C1 की वैल्यू 7 होगी, 7C3 की वैल्यू क्या होगी, 7 × 4 7 × 6 × 5 / 3 = 1, ये कैंसिल हो जाएगा तो 35 होगी, ठीक ना। अब 7C5 को हम 7C2 लिख सकते हैं, तो 7 × 6 2 × 1 दिस इज 21। क्या हो जाएगा 21। अब 7C7 इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 7C1 की वैल्यू 7 है, 7C3 की वैल्यू 35 है, 7C5 की वैल्यू कितनी है 21 है, इसकी वैल्यू 1 है / 2 रेज टू पावर 7। आप चाहो तो कैलकुलेटर से भी क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक ना। इनको हम ऐड कर लेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, ओके। देखो कुछ बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आ रही है कि सर आपने आर को 1, 3, 5, 7 कैसे ले लिया और पी को 1/2 क्यों लिया और क्यू को 1/2 क्यों लिया। देखो इसको हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं एक बार फिर से। अ क्वाइन इज टॉस्ड 7 टाइम्स, क्वाइन को 7 टाइम्स टॉस किया गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टेल अपीयर इन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स। टेल को ऑड नंबर ऑफ टाइम्स अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो टेल ऑड नंबर में क्या हो जाएगा, टेल एक बार टेल आ सकता है, 7 बार फेंका गया, ठीक ना। तो अब एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी तो आर वन हो जाएगा। अब 3 टेल आने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि 3 ऑड नंबर है, 3 टेल आने की प्रोबेबिलिटी तो R3 हो जाएगा। 5 टेल आने की प्रोबेबिलिटी और 7 टेल आने की प्रोबेबिलिटी, तो ये ऑड हैं, तो P1 P3 प्लस P5 प्लस P7 आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, P1 फाइंड आउट, P1 प्लस P3 प्लस P5 प्लस P7 को फाइंड आउट करना है। तो वो बाइनोमियल से हमने क्या कर लिए, फाइंड आउट कर लिए बाइनोमियल थ्योरम से। देखो टेल अपीयर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स बोला है, तो टेल या तो एक बार आए, 7 बार फेंकने में सिर्फ एक ही बार टेल आए, एक पर, बाकी 6 पर टेल ना आए, फिर 3 बार भी टेल आ सकता है, ऑड तो चाहिए हमें, ऑड नंबर ऑफ टेल चाहिए है, तो 3 बार भी 6 आ सकता, 3 बार भी टेल आ सकता है, 5 टाइम्स भी टेल आ सकता है, 7 टाइम्स भी क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। तो यहाँ पर हमें P1 प्लस P3 प्लस P5 प्लस P7 करना पड़ेगा, क्योंकि उसने बोला है कि क्वाइन को 7 टाइम्स फेंका गया और प्रोबेबिलिटी बताइए कि ऑड नंबर ऑफ टाइम्स टेल आए, तो वो एक बार सभी 7ों में एक बार टेल आ जाए, सभी 7 में 3 बार टेल आ जाए, या सभी 7 में 5 बार टेल आए, या सभी 7 थ्रो में 7 टाइम्स ही सारे सारे में टेल आ जाए, ओके, अंडरस्टूड, क्लियर।